एक बार फिर ईडी के गिरफ्त में फंसे जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह और सेठ जी की मुसीबतें अब बढ़ती नजर आ रही है। टैक्स चोरी और अकूत संपत्ति अर्जित करने को लेकर फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद एमएलसी राधाचरण साह पर इस बार कई संगीन आरोप लगे हैं, जो अगर पूरी तरह से साबित हो जाते हैं तो भविष्य में उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी जा सकती है। दरअसल 26 साल पुराने मामले में आरा कोर्ट ने एमएलसी राधाचरण साह के खिलाफ संज्ञान लिया है, जिनको लेकर अब आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए मामले को दोबारा सुनवाई का आरा कोर्ट को निर्देश जारी किया है। दरअसल जेडीयू एमएलसी सेठ राधाचरण साह पर साल 1997 में आरा में समता पार्टी के जुलूस पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। 26 साल पहले आरा के नगर थाने में घटी इस घटना में उनके साथ उनके भाई शत्रुधन और बेटे कन्हैया सिंह पर भी गोलीबारी का आरोप है, जिनको लेकर साल आरा के नगर थाने में कांड संख्या 113/1997 दर्ज है। यहाँ के स्मगलर, गांजा माफिया और हीरोइन माफिया राधाचरण साह, उनके लठैर कन्हैया प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, ये लोग मैंने उनके घर के लोग मिल के दो तीन कमांडर पर लो आए और हथियार से लैस थे सब, राइफल बंदूक 20-25 राइफल बंदूक लिए हुए, और एक पर एक उन्होंने सुरेंद्र सिंह कहाँ है, सुरेंद्र सिंह कहाँ, यही नेता बनता है, मारो मारो मारो, और फायरिंग की आप पर। हाँ, फायरिंग की। तब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी चलता एक लाला भरत थे, वो राइफल ऊपर कर दिए जिससे कि गोली ऊपर से निकल गई। जो भी पूछताछ करता भारी भी और पूछताछ करता भीड़ भी रहे संघर्ष में, और उन्होंने राधाचरण साह को और शत्रुघ्न प्रसाद को और एक दो आदमी को पकड़ लिया। और सबसे बड़ी चीज थी कि प्रशासन जो था, फोर्स आगे और पाछे दोनों तरफ से सशस्त्र बल थे। अविनाश कुमार उस समय अनुमंडल पदाधिकारी थे यहाँ का, जो आईएएस थे, वो भी उस मजिस्ट्रेट में जुटे थे और उनके सामने ही घटना थी। हम लोगों ने राइफल बंदूक छीन लिया और राधाचरण साह को और उनको पकड़ के पुलिस में हैंडओवर किया। वही मुकदमा हुआ। मुकदमा होने के बाद उन्होंने जेल चले गए, लेकिन प्रशासन का उस समय का राज हॉल था, उसके बाद वो सब राइफल रिवाल्वर उनको छोड़ दिया गया। और इधर जो है कोर्ट को भी मैनेज कर लिया, और कोर्ट को मैनेज करके और उन्होंने 307 को हटवा दिया, साक्ष्य मिटा दिया, कुछ साक्ष्य को 307 हटवाए, फिर आपको अनुच्छेद को हटवाए और हटवा के केस को हल्का करने के बाद वही हम लोग रिविजन फाइल किए। ऐसा है कि 1997 में समता पार्टी के रैली हो रही थी जिसका नेतृत्व सुरेंद्र सिंह कर रहे थे, उसी वह जैसे ही मठिया मोड़ के पास पहुंची जुलूस, वहां राधाचरण सेठ, उनके भाई, उनके लड़के वगैरह लोग जुलूस पर आर्म्स के साथ हमला किए, और उसके लिए उन्होंने सुरेंद्र सिंह ने केस किया। वह केस लंबित था माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ, जिसमें संज्ञान हुआ था, और चार्ज के समय जब और चार्ज जो था कुछ धाराएं को छोड़ करके चार्ज हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के यहाँ रिविजन फाइल किए, और माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के यहाँ से यह आदेश हुआ कि सुसंगत धाराओं में जैसे 307 और आर्म्स एक्ट में चार्ज बनता है केस प्राइमरी फेसी, इसलिए इसको पुनः चार्ज की कराया जाए तीनों लोगों पे, सारे लोगों को, और भी लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोग उनके साथ थे, और सारे लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं जैसे 307 आम से 120 भी वगैरह में उसको कराया जाए, इसी यही जिला जज साहब ने रिवीजन में आदेश किया है। आरा कोर्ट में एमएलसी के खिलाफ मामला दर्ज है। उन्हीं मामलों को लेकर कंप्लेंट समता पार्टी के तत्कालीन नेता सुरेंद्र सिंह के मुताबिक घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए थे, जिसके बाद एमएलसी और अन्य आरोपियों पर जान से मारने और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराएं भी लगी थी। लेकिन जेडीयू एमएलसी ने अपने पावर और पैसे के बल पर अपने ऊपर लगे गंभीर धाराओं को हटवा लिया था, आरोप है। लेकिन जेडीयू एमएलसी ने अपने पावर और पैसे के बल पर अपने ऊपर लगे गंभीर धाराओं को हटवा लिया था, जिसके बाद आरा कोर्ट ने नवंबर 2022 में मौजूद असंगत धाराओं के मुताबिक एमएलसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आदेश जारी कर दिया।
आरा कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ पिछले महीने पीड़िता समता पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में रिवीजन पेटिशन दाखिल किया, जिसके बाद जिला जज ने मामले को सत्य पाते हुए एक बार फिर जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी गंभीर धाराओं के साथ मामले की सुनवाई 19 सितंबर को आदेश जारी किया है। केस के कंपोनेंट और वकील के मुताबिक जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह ने अपनी चुनावी हलफनामे में भी इस केस का जिक्र नहीं किया था, जिसके बाद उन पर निर्वाचन आयोग भी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही आरोप साबित होने पर उनके विधान परिषद की सदस्यता भी जा सकती है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।